Yes, you might. फिर जो बटालियन है यहाँ पर उसके लिए और एनओ के लिए एक चैलेंज बन जाता है कि हम किन बच्चों को लें। हमारे पास वैकेंसी है सिर्फ 50, बच्चे खड़े हुए हैं 100। तो ये भी एक बड़ी खुशी की बात है कि बहुत कैडेट्स जो है वो बहुत स्टूडेंट्स कटनी में हमारी जो एनसीसी की यूनिट है उसके अंडर तकरीबन कितने कैडेट्स 1363 टोटल 1363 कैडेट्स हैं और हर वर्ष हम लोग बी और सी सर्टिफिकेट के कैंप्स कंडक्ट कराते हैं। वो कैंप्स के बाद इनका बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होता है। कोरोना काल की वजह से हम लोग उतने लंबे कैंप और नाइट स्टे वाले कैंप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने सिर्फ डे कैंप्स कराए हैं जिसमें बी सर्टिफिकेट 3 दिन का और सी सर्टिफिकेट 5 दिन का कैंप रहेगा। और ये 2 लोकेशंस में हो रहा है कटनी में, एक कैमूर में अलग और यहाँ न्यू कटनी के केवी में अलग। तो ये 90 से 95 कैडेट यहाँ पर एक बी और सी सर्टिफिकेट कैंप्स कर रहे हैं अभी, और उनकी ट्रेनिंग जो है खासकर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर ज़्यादा जोर है, जो चीज़ इनको बाकी परेड्स में नहीं कराई गई, जैसे ड्रिल है, फिजिकल एक्टिविटी है, वेपन ट्रेनिंग है, मैप रीडिंग है, तो ये कार्रवाई सारी हमारे जो स्टाफ इनको करा रहा है। सर, बी और सी सर्टिफिकेट जो होता है ये आगे जॉब्स में किस तरह से सहायक होता है? देखिए, सी सर्टिफिकेट में तो रिजर्वेशन है, अभी CISF और मैंने सुना CRPF ने 2 से 3% रिजर्वेशन कर दिया है इसका। और सी सर्टिफिकेट का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जिसने आर्मी में एज ऑफिसर एंट्री भी करनी है उसको रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देना होता, डायरेक्टली इंटरव्यू कॉल आता है। राइट, यस। सो एज एन ऑफिसर वो बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब रिटर्न एग्ज़ाम में कम से कम नहीं तो 60 या 70% लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं जो CDS या NDA का रिटर्न एग्ज़ाम होता है। लेकिन अगर आप सी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो आपको वो अलाउड परमिटेड है, सीधा पास ही माना जाता है और सीधा आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। प्लस अभी MP गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ स्कीम्स निकलने वाली हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री जी के साथ था उधर भोपाल में, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम NCC को स्टेट सर्विसेज और ख़ासकर पुलिस में कुछ परसेंटेज आरक्षण देने का सोच रहे हैं वो, ताकि NCC का थोड़ा सा और बढ़ावा मिले और प्रोत्साहित हों बच्चे NCC लेने के लिए।